आज सुबह 11 बजे रामनगरी अयोध्या के दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, करेंगे रोड शो, देंगे विकास की सौगात। सुबह 11:45 पर अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, अयोध्या रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करके बदला गया है नाम। उधर अयोध्या जंक्शन से 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे पीएम, 2 अमृत भारत ट्रेन को भी करेंगे शुरुआत। दोपहर 12:35 पर पीएम करेंगे नए अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट रखा गया है नाम। प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे के लिए शानदार तैयारियां, 1400 कलाकार करेंगे स्वागत। अयोध्या में आज 2 बजे दिन में पीएम की जनसभा, 15,700 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। अयोध्या और आसपास के इलाकों को मिलेगी 11,000 करोड़ की सौगात, मिलेंगे विश्व स्तरीय नागरिक सुविधाएं। अयोध्या में नई ग्रीनफील्ड टाउनशिप का शिलान्यास करेंगे पीएम, 2,180 करोड़ से ज्यादा आएगी लागत। अयोध्या से उत्तर प्रदेश के लिए 4,600 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री, विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। पीएम मोदी के दौरे को लेकर अयोध्या में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस प्रशासन बरत रहा है सतर्कता। 240 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकसित किया गया है अयोध्या धाम जंक्शन, आधुनिक सुविधाओं से लैस। अयोध्या रेलवे स्टेशन का किया गया है पुनर्विकास, पहले चरण में बनाया गया है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 3 मंजिला आधुनिक स्टेशन भवन। तो प्रधानमंत्री के दौरे से पहले अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की शानदार सजावट की गई है, यहां लगाया गया फूलों से बना राष्ट्रध्वज। अयोध्या धाम जंक्शन पर मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए खास इंतजाम है, पीएम के दौरे से पहले लगाए गए नए टावर्स। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है अयोध्या धाम जंक्शन के पुनर्विकास में लगे मजदूरों और कर्मचारियों से मुलाकात, जताया उनका आभार। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में बीते 3 दिन हुआ बड़ा बदलाव, नीतीश कुमार ने फिर से बने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ललन सिंह ने पद से दिया इस्तीफा। नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनते ही भारतीय जनता पार्टी ने कसा तंज, बोले गिरिराज अब वो कुछ ही दिनों के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस जातीय जनगणना की बात तो करती है लेकिन कभी इस बात की चर्चा नहीं करती। नीतीश कुमार ने मीटिंग में कहा एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ज्यादा गंभीर नहीं दिखाई दे रही है, अभी तक सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए थी। जेडीयू नेता केसी त्यागी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जेडीयू के एजेंडे को आगे बढ़ाना कांग्रेस की मजबूरी है, हमारी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है। इंडिया टुडे को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, विपक्ष पर किया प्रहार, कहा 30 साल से लोग सरकार चला रहे थे देश नहीं। इंडिया टुडे से बोले पीएम मोदी, मैं जब कुछ शुरू करता हूं तो अंत भी जानता हूं, मैं एक बड़े कैनवस पर करता हूं काम। सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री का बयान, परिवारवादी दलों को भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र से दिक्कत। उधर दिल्ली में देर रात सीएम भजन लाल ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है, आज राजस्थान में 2:30 बजे हो सकता है भजन लाल सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की है, मंत्रालय के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। जालना से मुंबई के लिए वंदे भारत की शुरुआत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। वंदे भारत उद्घाटन कार्यक्रम के लिए नेता न मिलने से नाराज हैं संभाजीनगर के सांसद इम्तियाज जलील, बोले कार्यक्रम का विरोध कर सकते हैं पार्टी के कार्यकर्ता। उधर बारामती में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के काटेवाड़ी गांव में शेतकारी आक्रोश मोर्चा का स्वागत, सांसद सुप्रिया सुले ने अगुवाई की। महाविकास आघाड़ी में लोकसभा सीट बंटवारे पर बड़ी तकरार, कांग्रेस नेता मिलिंद देवरा का ट्वीट, कोई भी गठबंधन महाराष्ट्र के स्थानीय नेतृत्व से परामर्श के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। नए साल पर मुंबई में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं, 11,500 पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने कई परियोजनाओं की सौगात दी है, जनसूचना केंद्र का शुभारंभ किया। वहीं उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से 16 मार्च में संपन्न करने को लेकर तैयारी पूरी की है। जबकि गाजीपुर में मुख्तार के बहनों शर्जिल रफा उर्फ आतिफ के पास से 28 लाख बेनामी रुपए जब्त हुए हैं, पूछताछ चल रही है। अकोला के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज को दिए जाने वाले खाने में कीड़ा मिलने से हड़कंप, अस्पताल प्रशासन ने जांच बिठाई। रश्मि शुक्ला होंगी महाराष्ट्र की नई डीजीपी, फोन टैपिंग केस के बाद रही थी चर्चित।
मुंबई से अयोध्या के लिए निकली राम भक्ति में डूबी शबनम, दो दोस्तों के साथ पैदल तय कर रही हैं 1500 किलोमीटर की यात्रा। गोवा के सनबर्न फेस्टिवल में ध्वनि प्रदूषण का विवाद, आयोजकों को पुलिस ने दी चेतावनी। द्वारका के समंदर में सैलानी कर सकेंगे समंदर के अंदर की दुनिया का दीदार, सबमरीन से अंडर वाटर टूरिज्म के लिए गुजरात सरकार ने मनगांव डॉक के साथ करार किया है। भारत में कोविड के दर्ज किए गए 797 नए मामले, संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या हुई 4091 के पार। उधर छत्तीसगढ़ से खबर है कि भिलाई में 81 साल के बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई, लोगों में दहशत फैली। दिल्ली में कोल्ड डे का अलर्ट जारी है, दो दिनों तक घने कोहरे से बहुत घने कोहरे की आशंका है। उत्तर भारत में छाया घना कोहरा, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से शून्य से नीचे तापमान से जूझ रहे हैं लोग, बारिश और बर्फबारी की जताई जा रही आशंका है। कोहरे के कहर की वजह से दिल्ली आने जाने वाली गाड़ियां चल रही हैं लेट, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर यात्री देखे परेशान। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कर्तव्य पथ और इंडिया गेट पर भी छाया दिखा कोहरा। जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर सूरत के लोगों ने खेला गरबा, वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के चमोली में जबरदस्त ठंड का प्रकोप, नदी नाले जम चुके हैं, भीषण ठंड के आगोश में आए पहाड़। वाराणसी में शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में आया शहर, फुलवारी पुल की तस्वीरें सामने आई। बठिंडा के लोग झेल रहे हैं शीतलहर और घने कोहरे की मार, तापमान में और गिरावट की आशंका है। कानपुर में बड़ा जबरदस्त ठंड का प्रकोप, शीतलहर और घने कोहरे ने परेशान किया लोगों को। देवभूमि हरिद्वार में भी ठंड बढ़ चुकी है, अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। इधर दिल्ली में 20 साल के व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार हुआ है। करनाल में हथियारों से लैस बदमाशों ने घर में घुसकर युवक को उतार दिया मौत के घाट, मामले की तफ्तीश कर रही है पुलिस। दिल्ली की सड़कों पर हुई दिनदहाड़े पिटाई, घायल युवक का इलाज चल रहा है। जबकि भुवनेश्वर के हाईटेक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में विस्फोट, एसी गैस दुर्घटना में 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। गोंडा में अनियंत्रित प्राइवेट बस ने 3 लोगों को रौंद दिया, 3 लोगों की मौत हो गई, 1 घायल है, ड्राइवर फरार। गढ़चिरौली में शराब तस्करी के आरोप में हिरासत में 2 युवक, बाइक के तेल टंकी में छुपाकर ले जा रहे थे शराब। नागपुर के बिडगांव में सड़क हादसा, भाई बहन की मौके पर ही मौत, गुस्साई भीड़ ने गाड़ी में आग लगा दी। पटना में रुपए के लेन देन में दोस्त के बेटे ने गोली मार दी, पुलिस ने किया केस दर्ज। जैसलमेर में सौर ऊर्जा प्लांट में काम कर रहे युवक की करंट लगने से मौत हो गई, परिवार में मातम। खंडवा में कर्नाटक के 24 साल की मदरसा शिक्षिका ने लगाया मौलाना पर रेप का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। जबकि आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में आरटीसी बस और ट्रॉली की टक्कर, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। उधर अजमेर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, आरोपी की तलाश तेज है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में गाड़ियों के टक्कर के बाद मारपीट, 1 युवक घायल है, 2 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जबकि इंदौर में काम करने के दौरान पेंटर को आया साइलेंट अटैक, मौत का वीडियो वायरल हो रहा है। धौलपुर में मुंबई की रहने वाली युवती से गैंगरेप, मुख्य आरोपी ने अपने 5 साथियों के साथ वारदात को दिया अंजाम। हुबली में 55 साल के अधेड़ व्यक्ति ने 4 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म, परिजनों ने की न्याय की मांग। जबकि पूर्णिया से सामने आया रेप का दर्दनाक मामला, रेप करके आरोपी ने लड़की का गला दुपट्टे से बांधकर पेट से लटका दिया। गुरुग्राम में नशा तस्करों पर नारकोटिक्स विभाग की कार्रवाई, करीब 23 किलो गांजा के साथ 3 गिरफ्तार किए गए। गुरदासपुर में बाइक सवार 3 लड़कों ने 1 युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। कोडरमा में ठगी के मामले में 2 युवक गिरफ्तार किए गए, 55,000 रुपए और 11 मोबाइल फोन इनसे जब्त किया गया। लखनऊ में दवा व्यापारी ने की एमआर की पिटाई, बाइक हटाने को लेकर विवाद। रोहतक पुलिस ने पूर्व सैनिक से 17 लाख की ठगी मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 4 लाख कैश बरामद। कानपुर में मुकदमा वापस ना लेने पर लड़की का अपहरण, छेड़छाड़ के आरोपियों ने जेल से छूटने के बाद वारदात को दिया अंजाम। अम्बाला में पुलिस ने 7 सटोरियों को गिरफ्तार किया, करीब 2.5 लाख रुपए कैश इनसे जब्त किया गया है। जबकि मुजफ्फरपुर में मीट कारोबारी की हत्या मामले में पुलिस का खुलासा, वर्चस्व की लड़ाई में मर्डर हुआ है, शूटर समेत 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए। फरीदकोट के सरकारी सेवा केंद्र में चोरी, कंप्यूटर, एलसीडी प्रिंटर, कैमरे और कीमती सामान गायब है। संबल में 3 सगे भाइयों ने अलग अलग जगहों पर लगा ली फांसी, 2 की मौत, 1 जख्मी है।
राजसमंद में महिला चोर गैंग ने ज्वेलरी शॉप को बनाया निशाना, चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद है। मोतिहारी में लूटपाट के दौरान घायल हुई छात्रा की अस्पताल में मौत हो गई, चलती ट्रेन में मोबाइल छीनने के दौरान जख्मी हो गई। बगहा में मिनी शराब की अवैध फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, मौके से दो शराब तस्कर गिरफ्तार हुए। 3 जनवरी को आमिर खान की बेटी आयरा बनेगी दुल्हन, दिल्ली जयपुर में होंगे 2 रिसेप्शन। 50 साल की हुई एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना, अक्षय कुमार ने पत्नी का फनी वीडियो शेयर करके लिखा जीती रहो मेरी हल्क। पोको एक्स सीरीज का जारी हुआ टीजर, भारत में जल्द लॉन्च होगा X6 सीरीज। दीपिका पादुकोण बनी हुंडई की ब्रांड एम्बेसडर, शाहरुख हार्दिक के बाद कंपनी की तीसरी आइकन बने। इलेक्ट्रिक बसेस से बदलने की तैयारी हो रही है, 8 लाख इलेक्ट्रिक बसों को भारतीय सड़कों पर लाने की योजना चल रही है। देश के 7 बड़े रियल एस्टेट मार्केट्स में घरों की बिक्री 2023 में 31% बढ़ी है। बीते साल देश के टॉप 7 शहरों में 4.5 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री हुई है। छूट का फायदा लेने की शर्तों के साफ न होने से ऑटो सेक्टर की PLI स्कीम को लगा झटका, 2 साल बीत जाने के बाद क्लेम इंसेंटिव लेने की प्रक्रिया नहीं तय हुई।